दोस्तों, काफी समय के इंतजार के बाद एक टूल के अंदर एक नई अपडेट आ चुकी है। काफी बड़ा अपडेट है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी वीवो का फोन किसी भी टूल में अनलॉक नहीं हो रहा है। कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि अनलॉक हो ही नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ऐसे में ये वीवो का अपडेट काफी बड़ा है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होगा कि वीवो का अपडेट इसके पहले भी एक बार आया था, जिसमें कि वीवो के ज्यादातर मॉडल थे अनलॉक नहीं हो रहे थे। मतलब कि एकदम से अचानक से वीवो ने उठा और अपडेट दे दिया, सारे के सारे टूल फेल हो गए, एक भी टूल के अंदर अनलॉक नहीं हो रहा था। उस समय तक ऐसे ही चला, फोन हम लोग भेजते थे, वापस करते थे, या फिर जिसके पास इजीजेट वाईफाई था, ISP वगैरह करके कुछ करके अपना अनलॉकिंग कर ले रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, TFM टूल ने अपडेट दिया और वहां पे उन्होंने ऑनलाइन सर्विस के थ्रू, यानी कि आपको कुछ क्रेडिट देना है, फ्री में नहीं होगा, कुछ पैसा देना है, और वो टूल अनलॉक करके दे देता था। तो सेम प्रोसेस हुआ, उसके बाद से एक डेढ़ महीने के बाद से सारे टूलों में धीरे धीरे सभी मॉडलों के अपडेट आ गए, तो चलने लगा, अनलॉकिंग हो रही थी। फिर वीवो ने अपडेट दे दिया और कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि फंस गए उसके अंदर, जैसे Realme 5i, ये सब मॉडल है Realme के, जो कि हमारे जमाने में फंसे रहे, UMT वगैरह में अपडेट नहीं मिला उनका, चाहे आपका A3S हो गया, ओप्पो का, ये सब फंसे रहे। तो ये सब काफी लंबे समय तक फंसे रहे, जब वो फोन पूरा मार्केट से ही हट गया तब जाके उनका अपडेट आया। तो सेम प्रोसेस अभी वीवो में, अभी दो मॉडल ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, हालांकि मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज्यादा रनिंग है जैसे Y02, Y01, Y15S, ये सारे मॉडल बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं। ना तो FRP बाईपास हो पा रहा है, ना अनलॉक हो पा रहा है। ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको रेट इतना बताएंगे कि आपका बोलो सेकेंड हैंड में ऐसा फोन आ जाएगा दूसरा, और अगर आप ISP से कराते हो तो फिर उसमें भी आपको पता है रिस्क है EGGTEC वगैरह से। तो उसका सोल्यूशन अभी फिर से TFM टूल ने दे दिया है। हालांकि TFM टूल ने अभी दे दिया है तो ऐसा नहीं है कि TFM टूल में हमको क्रेडिट, हालांकि क्रेडिट पे दिया है, बट इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्रेडिट पे ये टूल दे चुका है तो मतलब इसने तोड़ निकाल लिया है। कुछ समय है, एक हफ्ता, दो हफ्ता, महीना पैसा कमाएगा, बाकी धीरे धीरे सारे टूल में फ्री में आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वर के थ्रू जो अनलॉकिंग होती है वो कुछ ही टूल में होती है, जैसे कि आपका TFM हो गया, एंड्रॉइड मल्टी टूल हो गया, कुछ कुछ हैं जो कि क्रेडिट के थ्रू कुछ कुछ फोन अनलॉक करते हैं। तो ये लोग क्या है, जब तक क्रेडिट रहेगा तब तक करेंगे, और जैसे ही हाइड्रा टूल में, CM2 में या फिर UMT में अपडेट आया तो फिर फ्री करना पड़ जाएगा, मजबूरी है। तो अपडेट क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, TFM MTK हैज बीन रिलीज विद न्यू मॉडल्स। डियर यूजर, आपको अनाउंस किया गया है यहाँ पे कौन से ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, हॉनर, टेक्नो, इन्फिनिक्स, इसके अलावा आपके वीवो के भी बहुत सारे मॉडल हैं जो कि लिमिटेड काउंट्स के साथ आपका सपोर्ट है। मैक्सिमम मॉडल हैं जो कि MediaTek और QCFire दोनों ही सपोर्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल सर्विस फ्री, मतलब कि अपना टेक्नो और इन्फिनिक्स और आईटेल, ये तीनों एक ही कंपनी, एक ही जगह फोन मैन्युफैक्चरिंग होता है, बस मॉडल अलग अलग दे दिया गया है। तो तीनों ही फोन के जितने भी लेटेस्ट मॉडल थे जो कि अनलॉकिंग नहीं हो रहे थे और जो हो रहे थे सर्वर के थ्रू हो रहे थे, वो यहाँ पे फ्री कर दिया इन्होंने। इसके अलावा वीवो का देखेंगे तो वीवो ऑनलाइन ऑथ लिमिटेड, अब यहाँ पे ऑथ है तो आपको ये एक तरह से देखा जाए तो फ्री में तो करके नहीं देगा। वीवो QC एंड MTK ऑथ एंड रेगुलर आपका जो फोन है वो आपका वीवो पर डिवाइस ऑथ नीड 36 क्रेडिट एनी पर्सन, वन डिवाइस टेक ऑथ वन टाइम। अब यहाँ पे क्रेडिट तो ये बहुत ज़्यादा ले रहा है, मतलब कहने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ये क्रेडिट पे अनलॉकिंग प्रोसेस दे चुका है तो हो सकता है कि आने वाले समय में, कुछ समय बाद, आपको ये अनलॉकिंग मिल जाए। तो वीवो का अपडेट अभी इस टूल ने दिया है, जैसा सेम पहले जैसा प्रोसेस हुआ है सेम वैसे इन्होंने अपडेट दे दिया। अब यहाँ पे 36 क्रेडिट मांग रहा है तो ये मतलब बहुत बड़ा है, मतलब आप समझ सकते हैं एक क्रेडिट का रेट है लगभग 80-90 रुपए, यानी कि ये लगभग 3000 के आसपास आपसे रेट मांग रहा है एक फ़ोन अनलॉक करने का। तो हैवी फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है, तब तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन Y02 वगैरह तो हम इस बजट में नहीं कर पाएंगे कुल मिला जुला के। तो Y02 के लिए रुकना पड़ेगा फ्री टूल में जब तक अपडेट आ जाए। बाकी यहाँ पे डेमो लॉक वगैरह भी हटा सकते हैं इसके जरिए। डेमो लॉक का मतलब आपका हो गया जो फ़ोन कंपनी देती है किसी दुकानदार को शो ऑफ के लिए, स्क्रीन पर रख दीजिए, चेक करिए उसका कैमरा कैसा है, ये कैसा, वो कैसा, सब फीचर वगैरह, वो डेमो फोन लॉक के साथ आता है, कंपनी उसको सिर्फ दिखाने के लिए देती है, तो वो डेमो फोन बोला जाता है। तो उसमें लॉक लगा रहता है जिसको हम डेमो लॉक बोलते हैं, उसको हटा सकते हैं आप, रिसेट FRP कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको दिया हुआ है। इसके अलावा फॉर वीवो की आपका FDL टू EDL फैक्ट्री रिसेट विद FRP, यहाँ पे एक फीचर आपको ऐड करके दिया गया QC वाले में। अब FDL में आपको फ़ोन हो सकता है खोलना भी ना पड़े, तो आपको काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन क्रेडिट बहुत ज़्यादा ले रहा है। इसके अलावा यहाँ पे Xiaomi का क्रेडिट स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने क्रेडिट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे फास्ट बूट टू EDL, अगर आपको बिना खोले फ़ोन को फास्ट बूट से आपको डायरेक्टली EDL में जाना है तो आपको 0.5 क्रेडिट, यानी कि लगभग एक क्रेडिट, आधे क्रेडिट में आपका काम हो जाएगा, 40 रुपये के आसपास में।
तो आप बिना खोले उसको EDL में ले जा सकते हैं, और अगर आपको अनलॉकिंग करना है तो अनलॉकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट मोड है, अगर उसको आप ऑन करना चाहते हैं FRP सर्विस के लिए, तो आप 2 क्रेडिट में असिस्टेंट मोड के जरिए आप FRP कर सकते हैं किसी भी Xiaomi फोन का, जो कि और डिवाइस है, जो फ्री है वो तो फ्री ही है। तो ये अपडेट था, बाकी इसके नीचे और कुछ खास नहीं है। कुछ मॉडल ऐड किए गए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग सारे चीज़ें। ये देखिए आप वीवो कुछ मॉडल ऐड है यहाँ पे। तो बस यही अपडेट था, अगर ये आपको अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।